फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के लिए हमारे चैनल पे फुल कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं और यह आप लोगों की डेमो के रूप में क्लासेस हैं, थ्योरी क्लासेस हैं। तो आप सभी अगर जो है बिहार पावर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आज जो मैं आप लोगों के सामने थ्योरी क्लासेस लेके आया हूँ, ये एसी मशीन वाइंडिंग का जो है चैप्टर है। इसमें कुछ फिगर्स आपके सामने मैंने जो है यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि क्या फिगर का क्या काम है, बाकी हम लोग एसी मशीन वाइंडिंग का क्या वर्क होता है, कैसे होता है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो आप सभी जो है अच्छे से वीडियो को वॉच करें, तभी आपको मालूम चलेगा कि ये फिगर में क्या बनाया गया है, क्या आप लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है और एसी मशीन वाइंडिंग का क्या काम होता है, इसमें कौन सा क्या पार्ट इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए हम सभी यहाँ पे जो है ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और आप लोग जो है चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है अब चलते हैं डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम लोग जो है जानेंगे कि एक्सटर्नल ग्राउलर क्या होता है। एक्सटर्नल ग्राउलर का मतलब होता है बाहरी ग्राउलर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने जो है फर्स्ट नंबर पे हम एक्सटर्नल ग्राउलर के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे बाहरी ग्राउलर। ठीक है, बाहरी ग्राउलर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो यह ग्राउलर की अगर हम बात करें तो यह एक हमारी क्या होती है, एक विद्युत चुंबकीय यंत्र होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। यह क्या है, एक हमारी विद्युत चुंबकीय यंत्र होता है। ठीक है, यह एक हमारी क्या है, विद्युत चुंबकीय यंत्र होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक आयताकार लेमिनेटेड कोर जो है एसी सप्लाई प्रचालित करते हैं। यह आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें ऐसे ध्यान दीजिएगा, जिसमें आयताकार हमारा क्या होता है, लेमिनेटेड कोर होता है। ठीक है, आयताकार हमारा लेमिनेटेड कोर होता है। ठीक है, इसकी संरचना की हम बात करें तो इसकी जो संरचना होती है फ्रेंड, वो किस टाइप होती है, एच टाइप होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसकी संरचना की हम बात करें तो स्ट्रक्चर तो एच प्रकार की होती है। ठीक है, एच प्रकार की होती है, यह भी आपको ध्यान देना है, यह आपको मालूम होना चाहिए। और यह ग्राउलर को एसी सप्लाई पर संयोजित करने पर, यह आपको ध्यान देना, यह ग्राउलर पर एसी सप्लाई संयोजित, मतलब हम लोग क्या करते हैं, एसी सप्लाई संयोजित करने पर हमारा जो है क्या होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए कि संयोजित करने पर जो है यह ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, संयोजित करने पर ट्रांसफार्मर पर
प्राइमरी प्राइमरी वाइंडिंग हमारी क्या होती है वो के समान कार्य करता है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग के क्या होता है, कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए यह एक विद्युतीय चुंबकीय यंत्र होता है और यह आयताकार लेमिनेटेड कोर होता है। इसमें मतलब यह एक क्या होता है, आयताकार लेमिनेटेड कोर होता है। और इसकी संरचना की हम बात करें तो किस प्रकार होता है, यह मतलब एच प्रकार होता है। ठीक है, और यह ग्राउलर पर एसी सप्लाई क्या होता है, संयोजित करने पर ट्रांसफार्मर पर जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है उसके समान क्या होता है, ये कार्य करता है। ठीक है, जो हमारा एक्सटर्नल ग्राउलर होता है, ये हमारा एक्सटर्नल ग्राउलर दिया गया है और इस पर क्या होता है, लेमिनेटेड कोर होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, लेमिनेटेड कोर जो होता है वो सिलिकॉन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है यह एक विद्युत चुंबकीय यंत्र होता है जो इसको क्या होता है, यहाँ पे एक टाइप से जो है इसे चिपकाए रहता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। वन मिनट देखते आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, वन मिनट जी जी हाँ। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि ये हमारा जो है क्या होता है, एक्सटर्नल ग्राउलर का कार्य होता है। एक्सटर्नल ग्राउलर का अगर हम कार्य देखें तो यह हमारा क्या होता है फ्रेंड, यह आयताकार लेमिनेटेड कोर की लेमिनेटेड कोर होता है और यह एक चुंबकीय यंत्र होता है और इसका कार्य जो होता है वो एसी सप्लाई पर संयोजित करने पर ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है उसके समान कार्य करता है। यह आपको ध्यान देना है कि ट्रांसफार्मर पर हम प्राइमरी वाइंडिंग के समान इसमें जो है कार्य करता है हमारा जो बाहरी ग्राउलर होता है। तो इसे आप लोग जो है यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, बाकी जो है इसे जो है स्क्रीन शॉट लेने के बाद। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल ग्राउलर जाना जाता है। ठीक है, जो हमारा बाहरी ग्राउलर होता है। उसके बाद हमारा आ जाएगा सेकंड नंबर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण हमारा जो है यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण, शॉर्ट सर्किट परीक्षण जो होता है फ्रेंड अगर हम देखें तो इस पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इस पर एक हमारी जो है एक ब्लेड होती है। कौन सी ब्लेड, हेक्सा ब्लेड होती है। यहाँ पे जो है हमारी एक हेक्सा ब्लेड रखी जाती है और इस पर जो है रखने के बाद क्या होती है, यह हमारी जो है जो शॉर्ट सर्किट परीक्षण होता है इस पे क्या होता है, इस ग्राउलर पर एसी सप्लाई हम लोग जो है संयोजित करते हैं। और ये क्या होता है, जब एसी सप्लाई इस पर दी जाती है तो ये क्या होता है कि कंपन करता है। और यदि ब्लेड अगर देखें तो जब ये तेज़ी से इस पर हम सप्लाई देते हैं, संयोजित करते हैं, तो हेक्सा ब्लेड पर क्या होता है, उसके ऊपर कंपन होते हैं और कंपन जो होते हैं वो यदि ब्लेड तेज कंपन करती है तो उस पर जो है कॉयल में क्या है, शॉर्ट सर्किट दोष होगा। ये आपको ध्यान देना है, यह ब्लेड हमारी जो है धड़कन जो होती है, वाइब्रेशन होती है, अगर वो तेज़ी से गति में करे, मतलब तेज़ी गति से करे, तो उस अवस्था में क्या होता है, हमारा जो जो हमारा ब्लेड होता है वो तेज़ी से गति मतलब वाइब्रेशन करता है तो वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण दिया जाता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यह परीक्षण की अगर हम बात करें तो ये आर्मेचर को ग्राउलर पर क्या हो रखा जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। यह परीक्षण में आर्मेचर को ग्राउलर पर रखा जाता है, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आर्मेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउलर पर रख रहे हैं। ये हमारा ग्राउलर है और ये आर्मेचर है, इस पर हम लोग इसको रखने के बाद जो है यहाँ पे ब्लेड को इसके ऊपर रखते हैं, आर्मेचर के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग एसी सप्लाई संयोजित करते हैं ग्राउलर पर। उसके बाद क्या होता है कि आगे जो है हमारा आर्मेचर पर हेक्सा ब्लेड पर ब्लेड को क्या होता है रखा जाता है, उसके ऊपर हम लोग कंपन दोष यहाँ पे जो है
देखते हैं और जांच करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान देना है, यह दोष एसी सप्लाई द्वारा जांच की जाती है, की जाती है। ठीक है, और इस पर इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक जो है हेक्सा ब्लेड को हम लोग जो है रखते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग एक हेक्सा ब्लेड को रख कर जांच करते हैं। यदि हेक्सा ब्लेड तेजी से कंपन करता है तो उसमें 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 शॉर्ट सर्किट दोष पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है आपके सामने दिया गया है कि यह हमारा जो दोष होता है, अगर देखा जाए तो हमारा शॉर्ट सर्किट परीक्षण जो होता है इस पे हम लोग एसी सप्लाई संयोजित करते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसके द्वारा जब सप्लाई देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं और इस पर एक हेक्सा ब्लेड रखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे हेक्सा ब्लेड आपको दिखाया है। रखने के बाद जो है क्या होता है, रख कर जाँच करते हैं, यदि हेक्सा ब्लेड तेजी से कंपन करे या वाइब्रेशन करे तो क्या होता है, उसके जो है उसमें शॉर्ट सर्किट दोष पाया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा, हमारा जो है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट परीक्षण के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे थर्ड नंबर पे जानेंगे, ओपन सर्किट परीक्षण जो है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम लोग जानेंगे ओपन सर्किट परीक्षण। ओपन सर्किट परीक्षण, ठीक है, यह परीक्षण जो है हमारा क्या होता है, इसी टाइप से होता है, बस यहाँ पे जो है क्या होता है, हम लोग इस पर थोड़ा सा यहाँ पे जो है वायर का काम करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, जो इंसुलेटेड तार होता है, ये आपको ध्यान देना है, कौन सी तार होता है, इंसुलेटेड, ठीक है, तार होता है, इसे आप ऐसे कह सकते हैं, इंसुलेटेड तार होता है, और इस पर जो है हम लोग 230 वोल्ट की एसी सप्लाई देते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है, इस पर क्या होता है 230 वोल्ट एसी सप्लाई हम लोग देते हैं ओपन सर्किट परीक्षण में, ये भी आपको ध्यान देना है। इस परीक्षण में जो चालक तार होता है उसके टुकड़े को क्या होता है, कम्यूटेटर की पिच के बराबर अंतर पर हम लोग क्या है रखते हुए, ठीक है, रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है खंडों को आपस में मिलाकर स्पार्किंग जांच करते हैं। ठीक है, टुकड़े को जो है खंडों को जो है मिलाकर आपस में जांच करते हैं, जहां पर स्पार्किंग अधिक होती है उस खंड को क्या होता है संबोधित या संबंधित जो है कुंडली या वाइंडिंग से जो है ओपन सर्किट दोष
देख लेते हैं या फिर जांच करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा ये टुकड़े दिए गए हैं इस टाइप से, इसमें हमारे जो है टुकड़े यहाँ पे बनाए जाते हैं जो कि कम्यूटेटर खंड होते हैं, ये आपको मालूम है, मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि इस पर, ऐसे ध्यान दीजिएगा, इस पर इसमें 230 वोल्ट एसी सप्लाई के द्वारा कम्यूटेटर के खंडों को आपस में मिलाकर जो है स्पार्किंग जांच की जाती है, ठीक है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, आपस में मिलाकर स्पार्किंग जांच की जाती है, ठीक है। और जहां पर स्पार्किंग, जहां पर क्या होता है फ्रेंड, स्पार्किंग अधिक होती है उस खंड से संबंधित, आपको ध्यान देना है, स्पार्किंग अधिक होती है, अधिक होती है उससे संबंधित, हम लोग क्या करते हैं, इससे संबंधित उस खंड से संबंधित या फिर कुंडली से ओपन सर्किट दोष जो है दोष होगा, ठीक है। यह आपको ध्यान देना है कि उससे संबंधित वाइंडिंग या कुंडली में दोष होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि हमारा जो ओपन सर्किट परीक्षण होता है वो हमारा क्या होता है फ्रेंड, वो हमारा एसी सप्लाई 200 कितना 230 वोल्ट एसी सप्लाई के द्वारा जो है कम्यूटेटर के खंडों को आपस में मिलाकर स्पार्किंग की जांच की जाती है, ठीक है। और जहां पर स्पार्किंग अधिक होता है उससे संबंधित कुंडली या खंडों को जो कुंडली से दोष होगा या संबंधित जो है दोष होगा या फिर खंडों से जो है आप कह सकते हैं, आप ऐसे ध्यान दीजिए कि कुंडली में दोष होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो थोड़ा देख ले आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, जी हाँ आप लोग को दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आप लोग जो है यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी आप लोग जो है अच्छे से इसको रिपीट करते चलिएगा। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा कॉयल का विपरीत दिशा में संयोजन दोष परीक्षण, ठीक है, या फिर जो है एसी मशीन वाइंडिंग, ऐसे ध्यान दीजिएगा। एसी मशीन वाइंडिंग, इसे अभी मैंने नहीं लिखाया था, ठीक है, एसी मशीन वाइंडिंग। देखिए एसी मशीन वाइंडिंग क्या होता है यह आपको ध्यान देना है, यह सामान्यतया जो होती है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, खुली वाइंडिंग में किया जाता है, ठीक है। यह आपको ध्यान देना है, इस मशीन का प्रयोग हम लोग सामान्यतः कहाँ पे करते हैं, खुली वाइंडिंग में, ठीक है। इसका प्रयोग खुली खुली वाइंडिंग या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कुंडली, ठीक है,
ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, खुली वाइंडिंग में या फिर जो है खुली ये कुंडली में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, वाइंडिंग में करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग जो है इसको नोट करते चलिएगा, वन मिनट। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा, अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे बास्केट वाइंडिंग, ठीक है। हमारा यहाँ पे फाइव नंबर पे जो है आ जाएगा बास्केट वाइंडिंग, ठीक है। ये आपके सामने बास्केट वाइंडिंग दिया गया है। और इसकी आकार की बात करें तो इसका आकार जो होता है टोकरी के समान होता है, ये आपको ध्यान देना है। इस प्रकार की वाइंडिंग में जो है जो वाइंडिंग दिखाई देती है वो टोकरी के समान दिखाई देती है, और यह वाइंडिंग में जो कॉइल कनेक्शन की जांच की जाती है वो बहुत सरलता से की जाती है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इसका आकार आप लोग देख रहे हैं किस टाइप से होता है, यह वाइंडिंग का आकार टोकरी के समान होता है, टोकरी के समान होता है, और इस वाइंडिंग में कॉइल की जांच बड़ी सरलता से की जाती है, ठीक है। ये हमारी जो है बास्केट वाइंडिंग दी गई है, और इस वाइंडिंग में अगर देखें या आकार इसकी बात करें तो यह टोकरी के समान होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी जो वाइंडिंग दी गई है, और ये वाइंडिंग में क्या होता है, ये अगर हम इस वाइंडिंग में कॉइल की जांच करते हैं तो बड़ी सरलता से हम लोग जो है इस वाइंडिंग के द्वारा क्या होती है, कॉइल की जाँच की जाती है, ठीक है। ये जो हमारी वाइंडिंग दी गई है आप लोग इसको देख लीजिए, इसका आकार जो है इस टाइप से होता है, जो वाइंडिंग आप लोगों के सामने यहाँ पे दी गई है। थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है फिगर में आप लोगों को इस तरीके से भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, तो आप लोग जो है वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, ये आप लोग को थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी जो वाइंडिंग दी गई है, ठीक है, ये हमारी बास्केट वाइंडिंग दी गई है, ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कॉइल की जांच करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग हमारा जो है यहाँ पे फोर्थ नंबर पर जो है आपको ध्यान देना है, थर्ड नंबर पर हमारा जो है यहाँ पर क्या होगा, बास्केट वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग जो है इसको आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट इसका आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को जो है अच्छे से इसको डेली रिपीट करते रहिए और पढ़ते रहिए, इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग हमारा यहाँ पे जो है सिक्स नंबर पे, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, ठीक है।
ठीक है। तो यह वाइंडिंग की अगर हम बात करें तो यह वाइंडिंग क्या होती है, कॉयल, कॉयल की जो वाइंडिंग होती है वो केंद्र के समान आपको दिखाई देगा, ये जो वाइंडिंग यहाँ पे दी गई है। और यह वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग सिंगल फेज मोटरों में सामान्यतः करते हैं, ठीक है। इस वाइंडिंग की अगर बात करें तो सिंगल फेज मोटरों में इस वाइंडिंग का प्रयोग सामान्यतः हम लोग करते हैं। और यह संकेंद्रीय वाइंडिंग का प्रयोग अगर किया जाए, देखा जाए, तो इसका प्रयोग हम लोग क्या होता है, वाइंडिंग का कॉयल में कॉयल की संख्या प्रति पोल या फिर प्रति फेज एक होती है, ऐसे आपको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इस वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग सिंगल फेज मोटरों में करते हैं, ठीक है। कहाँ पे करते हैं, सिंगल फेज। यह वाइंडिंग सिंगल फेज मोटरों, इस यह वाइंडिंग ऐसे ध्यान दीजिए, वन मिनट, यह वाइंडिंग का प्रयोग सिंगल फेज मोटरों में करते हैं, ठीक है। सिंगल फेज मोटरों में करते हैं। और यह वाइंडिंग की जो कॉइल होती है वो क्या होती है, कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज एक होती है, ठीक है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, यह वाइंडिंग कॉयल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज एक होती है, होती है, ठीक है। ये हमारी जो वाइंडिंग दी गई, कंसेंट्रिक वाइंडिंग दी गई है, इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो यह वाइंडिंग का प्रयोग सिंगल फेज मोटरों में करते हैं। और यह वाइंडिंग कॉइल की संख्या जो होती है प्रति, क्या है, प्रति पोल प्रति फेज एक होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक वाइंडिंग होती है स्किन वाइंडिंग। स्किन वाइंडिंग का हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, जो भी है आप लोगों को यहाँ पे सारे जो भी वाइंडिंग होते हैं उनको सारे जो है मालूम होने चाहिए, ठीक है। स्किन वाइंडिंग, स्किन वाइंडिंग, यह वाइंडिंग अगर हम देखें तो इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ये जरूरी होता है। स्किन वाइंडिंग जो होती है यह एक बड़ी कॉइल के द्वारा जो है लपेटी होती है, और यह देखें तो स्टेटर या फिर खांचों में जो है इसको रखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना है कि यह वाइंडिंग जो होती है कॉइल में बड़ी कॉइल में लपेटी जाती है यह वाइंडिंग, और यह जो है कहाँ पर रखी जाती है, खांचों में रखी जाती है, और यह जो है स्लॉट खांचों में रखी जाती है, या फिर जो है इसको हम लोग कहाँ पर रखते हैं, स्लॉट में रखते हैं, ऐसे भी आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। स्किन वाइंडिंग को जो है, यह वाइंडिंग को स्लॉटों में रखा जाता है, और यह
ये क्या होता है, और यह वाइंडिंग में जो है एक बड़ी कॉयल लपेटी जाती है, ऐसे ध्यान देना। और यह वाइंडिंग में एक बड़ी कॉयल लपेटी जाती है, ठीक है, जो हमारी स्किन वाइंडिंग होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और स्किन वाइंडिंग जो होती है फ्रेंड, वो भी हमारी इसी टाइप से होती है, ये आपको थोड़ा सा ये हमारी जो है इसी टाइप से हमारी जो है स्किन वाइंडिंग होती है, और यहाँ पे जो है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी स्किन वाइंडिंग होती है। इसमें क्या होता है, एक बड़ी कॉयल जो है लपेटी जाती है, इस प्रकार की हमारी स्किन वाइंडिंग होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है एसी मशीन वाइंडिंग के जो है यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट थे वो सारा जो है आप लोगों को यहाँ पे कवर कराया गया है, ये आप देख सकते हैं। जो भी आपका जो है बास्केट वाइंडिंग होता है, एक्सटर्नल ग्राउंडर होता है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण होता है, और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होता है, स्किन वाइंडिंग किस तरीके से होता है, ये सारा कुछ जो है आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर सॉल्व कराया, ठीक है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, बाकी इसका नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा, जिससे क्या हो कि आप लोग एग्जामों में ये सारे जब आप लोग देखे रहेंगे तो एग्जामों में भी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स वॉचिंग एंड बाय बाय।